हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 17 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 17/4/24 के लिए। तो देखिए, 17 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। लेकिन देखिए, 17 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी आप में से बहुत लोग उदास हो गए होंगे, नाराज़ हो गए होंगे, क्योंकि देखिए जो कि 16 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में 97 का जोड़ी गेम बना था, लेकिन 16 तारीख को भी मिस हो गया है। देखिए, अगर आप लोगों ने रेगुलर वीडियोस को देखा होगा इससे पहले वीक में और उससे पहले वीक में, तो आप लोगों को पता होगा ही कि हमें लगातार गेम पास देखने को मिला था। लेकिन इस वीक में देखिए, मंडे ट्यूसडे दो दिन ही गया है, 15 और 16 तारीख, तो इन दो दिनों में मिस हो गया है। लेकिन देखिए, आप लोगों को उदास नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि अभी भी देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अभी बाकी है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है लगातार गेम पास देखने के बाद एक दिन दो दिन मिस हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को उदास नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। और देखिए, अभी जो आज हम 17 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, देखिए 17 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आज जो मैं आप लोगों को 17 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 17 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे, तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए देखिए लाइन यहाँ पर 16 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 16 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 17 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 270 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 97 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 160 का अंक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, उसके बाद देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 270 का अंक। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा। उसके बाद 7 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 8 का अंक बनेगा। उसके बाद 9 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 17 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 का अंक बनेगा। 1 और 7 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 का अंक बनेगा। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 8 और 6 का अंक देखने को मिला है। देखिए, लाइन तो हो गया है, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए लाइन को और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 270 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 2 और 7 को जोड़ा, 9 का अंक बना। उसके बाद 7 और 1 को जोड़ा, 8 का अंक बना, क्योंकि 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1। उसके बाद 9 और 8 को जोड़ा, 17 का अंक बना। उसके बाद फिर से 1 और 7 को जोड़ा, 8 का अंक बना। 1 और 7 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 का अंक बना है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 8 और 6 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए, लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 8 और 6 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। तो देखिए, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 97 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 16 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 6 को जोड़ेंगे, 7 का अंक बनेगा। 1 और 6 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बनेगा। तो देखिए, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 7 और 5 का अंक देखने को मिला है। देखिए, सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 97 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 9 और 7 को जोड़ा, 16 का अंक बना।
उसके बाद फिर से 1 और 6 को जोड़ा, 7 का अंक बना। 1 और 6 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बना है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 7 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 7 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, मतलब कि फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकंड लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 160 का अंक। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 6 और 0 को जोड़ेंगे, तो फिर से देखिए 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1। फिर से 6 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 7 का अंक बनेगा। उसके बाद 7 और 7 को जोड़ेंगे 14 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 का अंक बनेगा। 1 और 4 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। देखिए लाइन तो हो गया है, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जो कि ये थर्ड लाइन क्लोज पैनल से। तो देखिए क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 160 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 1 और 6 को जोड़ा 7 का अंक बना, उसके बाद 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना, क्योंकि 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1। उसके बाद फिर से 7 और 7 को जोड़ा 14 का अंक बना। उसके बाद फिर से 1 और 4 को जोड़ा 5 का अंक बना। 1 और 4 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बना है। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 8 और 6 का अंक देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 7 और 5 का अंक देखने को मिला है। और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, हो जाएगा फाइनल गेम में। तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 8 और 6 का अंक देखने को मिला था। तो देखिए 8 और 6 को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 और 6 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 14 का अंक बनेगा, 1 और 4 का अंक। अभी हम 1 और 4 को फिर से जोड़ देंगे, 1 और 4 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए 5 का अंक। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए मैं 7 और 5 का अंक देखने को मिला था। तो देखिए जो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से देखने को मिला है, इसको यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे। तो 7 और 5 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर देखिए 2 का अंक। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए मैं 5 और 3 का अंक देखने को मिला था। तो देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है, इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे। तो 5 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। लेकिन देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से ऑलरेडी पहले से 2 का अंक देखने को मिला है, तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 2 का अंक देखने को मिला है, इस 2 के अंक को हम नहीं देखेंगे, 2 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 का अंक, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 का अंक देखने को मिला है इसीलिए। ठीक है, तो अभी देखिए हमें तीन लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला। देखिए क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में 5 का अंक, सेकंड लाइन में 2 का अंक और थर्ड लाइन में 7 का अंक। तो देखिए तीन लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए, क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 का अंक देखने को मिला और 2 का फैमिली, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 7 का अंक देखने को मिला है, तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 5 का अंक देखने को मिला है, तो 5 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 5 का फैमिली 0 का अंक। ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए 4 अंक निकल गया है, तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी, स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 0 और 5 का अंक जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग ओडिसी में क्या देखने को मिला। देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 0 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, और देखिए ओटीसी का तो हो गया, तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 02 का एक जोड़ी, 02 का जोड़ी, उसके बाद होगा 07 का एक जोड़ी, उसके बाद होगा 52 का एक जोड़ी, उसके बाद होगा 57 का एक जोड़ी। ठीक है, उसके बाद होगा 22 का एक जोड़ी, उसके बाद होगा 27 का एक जोड़ी, उसके बाद होगा 72 का एक जोड़ी और होगा 77 का एक जोड़ी। ठीक है, ये कुछ जोड़ी देखने को मिला, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 02 का एक जोड़ी, 07 का एक जोड़ी, 52 का एक जोड़ी, 57 का एक जोड़ी, उसके बाद 22 का एक जोड़ी, 27 का एक जोड़ी, 72 का जोड़ी, 77 का एक जोड़ी। ठीक है, ये कुछ जोड़ी देखने को मिला, देख लीजिए आप लोग। और देखिए आप लोग जोड़ी को नॉर्मली नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मत देखिएगा। ठीक है, और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 0 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 17 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।